अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 110वां वार्षिक महाधिवेशन 12 मार्च से शुरू होगा, जो कि डेहरी शहर के कटार में आयोजित होगा। इस बारे में हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने बातचीत की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट और जानते हैं कि इस महाअधिवेशन में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये संतमत का 110वां वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन है। यह सम्मेलन का उद्देश्य है देश विदेश गांव में प्रचार करना, और हमारे महामंत्री जी पूर्व में बता दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि गुरु महाराज के बताए हुए संदेश को हम लोग गांव-गांव, घर-घर, विदेश तक पहुंचावें। यह संतमत झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार को तजना चाहिए। जब हमारी माता जी जब गुजरी, सब ऑटोमेटिक हमारा कदम इधर बढ़ा, और जो कदम बढ़ा तो फिर रुका नहीं, वो चलता रहा, और आज इस मुकाम पे है कि हमारे यहाँ जो महाधिवेशन हो रहा है कुप्पा घाट का। हमको याद है कि हमारी जिंदगी के दौर में छोटे बचपन में हुआ हो, करीब में उस समय 8-10 साल, उसके बाद ये दूसरा महाधिवेशन यहाँ होने जा रहा है, और मैं नहीं जानता हूँ कैसे हो रहा है। ये गुरु महाराज जी का कृपा है, यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से और उनके आशीर्वाद के जरिए ये कार्य को शुरुआत की जा रही है, और इस शुरुआत में हम डेहरी नगर के जितने भी लोग हैं सब एक साथ होकर इसका जो आनंदित उठाएंगे और इसको एक दूसरे में सर। ये संतमत का 110वां महाधिवेशन है, और इस महाधिवेशन का उद्देश्य यह है कि हम संतमत के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। जी, तो संतमत जो है पंच पापों को त्याग करके सदाचारी जीवन जीने की प्रेरणा देता है, और इसी उद्देश्य से जो है यहाँ 110वां वार्षिक महाधिवेशन जो कटार में बालूघाट सोन नदी के तट पर जो है आयोजित है दिनांक 12, 13 एवं 14 मार्च को, और इनका जो है 2 सत्र में यह कार्यक्रम होगा। 12 तारीख के सुबह 5 बजे से भजन कीर्तन, वेद, उपनिषद, पुराण आदि अपने जो सनातन के ग्रंथ हैं उनके पाठ के का आरंभ होगा। उसी पाठ के आधार पर संत मत के विद्वान प्रवक्ताओं के द्वारा जो है उस पर जो है उसी विषय पर प्रवचन किया जाएगा। पुनः 2 बजे से फिर भजन कीर्तन एवं ग्रंथ का पाठ होगा, जिसमें रामचरितमानस और संतवाणियों के पाठ के द्वारा फिर उसी विषय पर जो है फिर हमारे संत महात्माओं जो लोग यहां से जो देश विदेश से जो आ रहे हैं संत महात्मा उनका प्रवचन होगा। सिर्फ 2 सत्र में सुबह जो है 6 बजे से और 10 बजे तक, और फिर 2 बजे से 5:30 बजे तक 2 पाली में यह कार्यक्रम होगा। उससे पूर्व 11 तारीख को, चूंकि 10 तारीख को ही सारे जो हमारे संत महात्मा हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और हमारे संत मत के जो अभी पूज्य वर्तमान आचार्य हैं महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, वो 10 तारीख को ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके साथ ही बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। तो 11 तारीख को यहाँ जो आयोजनकर्ता जो है पवन बाबू, संत बाहू, भोला बाहू, ये सारे लोग जो हैं इनके द्वारा जो है एक भव्य शोभा यात्रा का एक कार्यक्रम है, जिन पर जो है हाथी घोड़े रथ की व्यवस्था की गई है, और एक जुलूस के की तरह जो है पूरे नगर का भ्रमण करेगी। सुबह 7 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है।